कठुआ जिले के लोगों को भी अब बिना कहीं गए देश के नामी डॉक्टरों से उपचार करवाने की सुविधा उपलब्ध हो पाएगी। डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत कठुआ जिले में मुफ्त टेली मेडिसिन सेवा डॉक्टर ऑन व्हील सेवा का शनिवार को आरंभ किया गया। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री एवं कठुआ उधमपुर डोडा से सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस मौके पर मुख्य अतिथि थे। जम्मू कश्मीर में सबसे पहले डॉक्टर ऑन व्हील सेवा डोडा जिले में शुरू की गई थी, जहां इस मोबाइल वैन ने 3 महीनों तक 185 गांव में घूमकर 3,600 मरीजों का उपचार उपलब्ध करवाया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसे भविष्य के स्वास्थ्य सेवाएं करार देते हुए कहा कि अगर आज देश के किसी बड़े अस्पताल में जाकर छोटा मोटा भी उपचार करवाना हो तो इसके लिए पहले डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेना और फिर महंगा उपचार कराना सबके लिए संभव नहीं हो पाया, लेकिन इस टेली मेडिसिन से घर बैठे ऐसी सुविधाओं का लाभ उठाया जा सकता है। डॉक्टर ऑन व्हील्स ने हैदराबाद, बेंगलुरु, सूरत और अहमदाबाद के अस्पतालों से टाई अप किया है और मौके पर ही मरीज की सीधी डॉक्टर से बात करवाई जाती है और 15 मिनट में मरीज को डॉक्टर की सलाह मिल जाती है और उन्हें क्षेत्रीय लोगों से इस सुविधा का लाभ उठाने की अपील भी की। ये 15-20 मिनट के छोटे से अंतराल में सारी इन्वेस्टिगेशन यहाँ जमा हो जाएंगी, वहाँ पर ऑनलाइन बिल्कुल उनकी इन्वेस्टिगेशन वापस उपलब्ध होगी और आधे पौन घंटे के भीतर जो भी कंसर्न स्पेशलिस्ट जिसकी आवश्यकता रहेगी उसके साथ ये संपर्क करवाएंगे, तो लगभग 1 घंटे के भीतर सुपर स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन। 4 अस्पताल 5 इन्होंने मनोनीत किए हैं, हैदराबाद, बेंगलुरु में, सूरत, अहमदाबाद में, तो जिस तरह के विशेषज्ञ की आवश्यकता होगी उससे परामर्श होगा और किसी कॉरपोरेट अस्पताल में जिस जांच, जिस इन्वेस्टिगेशन और जिस इलाज के लिए लगभग 25-30 हज़ार रुपया कम से कम लग जाता है और फिर अपॉइंटमेंट्स लेने की दुश्वारी अलग रहती है, वो मात्र 1 घंटे के भीतर ये इस माध्यम से। पीएमओ ऑफिस में मिश्रा इंचार्ज हैं और आपके पास विभिन्न विभिन्न प्रवासी मूल से हैदराबाद से हैं और ये जो सारा प्रोजेक्ट है जो सारा एनजीओ इसको चला रही है प्रतिमा जी, हमारे छोटे भाई और बड़े पुराने साथी लेकिन राहुल जी मेरे सामने बैठे हुए कठुआ लखनपुर के सारे क्षेत्र के प्रमुख नागरिक हैं, डीडीसी चेयरमैन कर्नल महान सिंह जी, हीरानगर चेयरमैन एडवोकेट विजय जी, पूर्व मंत्री राजीव दसरोगिया जी, डिप्टी चेयरमैन रणनंदन सिंह उर्फ गंगलू जी, हमारे यहाँ के पार्टी के अध्यक्ष गोपाल जी, ओबीसी कमीशन के चेयरमैन रह चुके यशपाल वर्मा जी, पूर्व विधायक कुलदीप जी, प्रेमनाथ डोगरा जी, डीसी साहब, एसएसपी साहब, ये पीछे से कहा गया कि जन्म भारती का नाम नहीं लिया तो यहाँ से रास्ता रोकेगा। खैर मुझे लगता है मेरी जन्म भारती की बाकी सबका भी मेरी तरफ से नाम ले लेंगे ताकि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न ना हो। आपने और सबसे महत्वपूर्ण सेवा भारती के हमारे कार्यकर्ता साथी आपने भी हिमांशु जी की बात सुनी और वो वहां पीछे बैठे हैं दादाजी के साथ, वो सिर्फ हिमांशु के दादा नहीं है, सबके दादा है और बधाई के पात्र भी है कि सेवा भारती के जिस प्रकार का सहयोग किया है, सहयोग ही नहीं निरंतर फॉलो, जिससे कई बार चीज कामों में विलम्ब पड़ जाता है, लेकिन मुझे हिमांशु जी संतोष जी के कोविड के बावजूद भी यदि इसकी गति में कोई अंतर नहीं आया तो इसलिए कि दादा निरंतर इसको फॉलोअप करते रहे, सबके साथ संपर्क भी रखते रहे, जहां जरूरत पड़ी डांट भी लगाते रहे,
और थोड़ा बहुत झगड़ा भी करते रहे। तो कोविड के बावजूद भी हमारा ये कार्य चलता है। अभी आपने बात सुनी डॉक्टर और व्हील्स के विषय को लेकर और साथ ही साथ फिर गौशाला की, दोनों विषयों पर कुछ एक बातें आपके साथ साझा करेंगे ताकि फिर आगे की हम उसी प्रकार की रूपरेखा बना सकते हैं। सबसे पहले तो मुझे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करना कि जिन्होंने लाल किले के परिसर से स्वतंत्रता दिवस के संबोधन पर डिजिटल हेल्थ मिशन की बात की और सारे देश को जागृत किया कि इसका क्या महत्व है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां पर स्वास्थ्य सेवाओं को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया जाता। और इसका कारण ये भी है कि समाज में भी इसको लेकर के कोई बहुत अधिक प्राथमिकता नहीं है। सदियों से शताब्दियों से हमारी और सारी कई दिक्कतें रही, कोई आर्थिक समस्याएं, कोई सामाजिक, और जिस प्रकार विदेशों में या पश्चिम में हेल्थ इंश्योरेंस एजुकेशन इंश्योरेंस की व्यवस्था उस प्रकार की ना रहते हुए बहुत अधिक बीमारी का इलाज प्राथमिकता से किया जाए, इस प्रकार की कभी परंपरा ही नहीं रही। और प्रिवेंटिव मेडिसिन यानी रोकथाम, इसकी तो कभी कल्पना नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार से कोविड के दिनों में हमारा मार्गदर्शन किया और स्वयं दिन प्रतिदिन प्रत्येक राज्य से सूचना प्राप्त करते रहे, लगभग 22-25 बार उन्होंने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठकें की, उसका परिणाम यह है कि सारे देश में और समाज में स्वास्थ्य को लेकर के एक नई किस्म की जागरूकता जागृति प्राप्त। प्रेरणा से हमें ये पहल करने का विचार भी आया और साहस भी हुआ ये डॉक्टर और व्हील्स नाम से। आने वाले समय में जिस प्रकार की स्वास्थ्य सेवाओं का स्वरूप रहेगा उसका एक बहुत अच्छा रोल मॉडल प्रस्तुत किया गया है जम्मू कश्मीर में। मुझे लगता है कि देश में अपनी तरह का पहला है और आने वाले समय में बाकी प्रदेशों में भी इसका अनुसरण करने लायक होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इससे पहले डोडा में ये व्यवस्था की गई, लगभग 3 महीने वहां वो रहे, 150 से अधिक गांव में उनको घूमने का अवसर रहा और जैसे भी आपको बताया 3500 से लेकर 3600 मरीजों का उपचार हुआ और बड़े वैज्ञानिक ढंग से। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अक्सर हमें लगता है कि साहब कोई गाड़ी चला रहा है, कोई इलाज कर रहा है, तो जो कर रहा है जिसका काम है, लेकिन ये नहीं समझ आता कि इसके पीछे कितना परिश्रम है, कितने साधन है, कितना कठोर निरंतरता के साथ प्रयास करके ये सुविधा स्थापित करने का एक सफल प्रयास हुआ है। सरकार की 100,000 रुपए की लाखों के रुपए में, उसके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि जिन जो हमारे लोग हमारे साथ संपर्क में आए, जहाँ से संग्रह हुआ 50-60 लाख रुपए इसमें लग गया हमारा। लेकिन इसका महत्व हमें समाज में इसलिए समझाना है कि एक मरीज को आप उसकी पूरी जांच लगभग 35-40 मिनट में कर लेते हैं और बेहतरीन लेबोरेटरीज और बेहतरीन स्पेशलिस्ट के द्वारा उसके टेस्ट किए जाते हैं। यदि यही आपने टेस्ट किसी कॉर्पोरेट अस्पताल में करवाने हो दिल्ली मुंबई में, तो कम से कम 25-30 हज़ार रुपये लग जाए। अगले 10-15 मिनट के भीतर ये आपका संपर्क कायम करते हैं जो भी कंसर्न स्पेशलिस्ट है, जो विशेषज्ञ है, जिसके ताल्लुक से आपकी बीमारी का संबंध है। 4 अस्पताल हैं जिनके साथ इन्होंने संपर्क बनाया हुआ, उनमें से एक हैदराबाद में है, एक बेंगलुरु में, एक सूरत में, एक अहमदाबाद में। बेहतरीन से बेहतरीन स्पेशलिस्ट के साथ संपर्क करके अगले 15-20 मिनट में, यानी पूरे 1 घंटे के भीतर आपको मशवरा मिल जाता है, प्रिस्क्रिप्शन मिल जाती है, नुस्खा मिल जाता है। यदि एक भी ऐसे मरीज का इलाज उसी स्तर के अस्पताल में करवाना हो तो पहले तो आपको अपॉइंटमेंट की दुश्वारी रहेगी, जो हमें इस बात का अनुभव है कि लगभग प्रतिदिन 4-5 मरीज हमारे रहते हैं जिनको कभी और भी ऐसी जो कभी दूसरे अस्पतालों में हम अपॉइंटमेंट दिलवाते हैं। उसके बाद जब आप प्राइवेट अस्पताल चले जाते हैं उसके लिए फिर से टेलीफोन आता है कि बिल में थोड़ा सा डिस्काउंट किया जाए और बार बार संपर्क करने के बावजूद भी कई सप्ताह लग जाते हैं। यहाँ आपको 1 घंटे में वो सुविधा उपलब्ध हो रही है जो किसी मेट्रो अस्पताल में, कॉर्पोरेट अस्पताल में कई 1,000 रुपया खर्च करके भी चाहना हो।
ये इसका लाभ है। हमने ये प्रयोग उधमपुर में किया था, लेकिन ये उससे ऊपर के स्तर का है। उधमपुर में हमने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में एमएससी के साथ बैठी है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का हमने संपर्क किया टेलीमेडिसिन के माध्यम से प्रत्येक पंचायत के साथ, और फिर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का भिन्न भिन्न सुपर स्पेशलिस्ट के साथ, ताकि कहीं भी कोई मरीज बैठा हो वो उसके साथ संपर्क कर सके, उसका लाभ ले सके। अब ये एक तो सुविधा है, दूसरा आने वाले समय में किस प्रकार की व्यवस्था रहेगी उसको सीखने का भी एक अवसर है। पर आज है, जैसे भी आपको ये शंकर जी बता रहे थे कि आप बाद में ऐप से भी कर सकते हैं, आने वाले समय में इसके अंदर और अधिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग होने वाला है, और ये भी संभव हो सकता है कि बहुत अधिक हर बार डॉक्टर की आवश्यकता ना रही, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल ही आपका डायग्नोसिस दे दे और आप अगले स्तर पर चले जाए। और इसके साथ क्योंकि ये बहुत जल्द होने वाला है, इत्तेफाक से यही मेरे विभाग है, और साथ ही साथ आपको अपना आइडेंटिटी दर्ज ना करवानी पड़े, जैसे शंकर कह रहे थे कि आइडेंटिटी दर्ज तो आप बना करके आप फिर से आ सकते हो, आपका चेहरा ही आइडेंटिटी कहा जाता है। और उसकी खूबी यह है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ हाथ की लकीरों में फर्क आ जाता है, तो फिंगरप्रिंट्स भी बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं रहते, लेकिन फेस टेक्नोलॉजी हमेशा कायम रहती है, उसमें हाथों का भी स्वरूप है, चेहरे का भी। ये और ज्यादा सरल होने वाला है। और तीसरा, जैसा हम ये कह रहे थे कि अपनी पसंद का डॉक्टर या अपनी प्राथमिकता के डॉक्टर के पास आप पेशेंट को रेफर कर सकते हो, मैं उसे एम्स में उनको बता रहा था कि अब नया युग आने वाला है, पहले हम डॉक्टर के पास रेफर करते थे, अब डॉक्टर को पेशेंट के पास रेफर करते हैं, क्योंकि इसी का अगला स्तर रहेगा रोबोटिक मेडिसिन, वो भी प्रारंभ हो चुकी है, उसको हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रहे, मुझे लगता है जब 5G शुरू हो जाएगा तो उसका ज़रा असर रहेगा, क्योंकि जहाँ पर ऑपरेशन करना है, सर्जरी करनी है, तो छोटे मोटे आके स्टिचेज लगाने होते हैं, तो डॉक्टर बैठ करके हैदराबाद पोलो से करेगा सर्जरी और यहाँ पर टाका लगेगा आपके ऑपरेशन थिएटर में, लेकिन अगर मिनी सेकेंड का भी फर्क पड़ जाए तो आगे पीछे हो जाता है, इसलिए क्योंकि विदेशों में शुरू हो जाए, लेकिन हमारे पास उस प्रकार की सर्जरी करने वाले डॉक्टर अब उपलब्ध होने लगे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये कि एक समय आने वाला है, इस मोबाइल वैन को भी गांव-गांव नहीं घूमना पड़ेगा, आप कहीं भी होंगे आप इसके साथ संपर्क कर सकते हैं। हमने RTI की ऐसा की थी, क्योंकि 7-8 विभाग मेरे पास RTI का है, पहले जमाने में आपको RTI जमा कराने 10,000 के बीच में जाना पड़ता, हमने ऐप दे दी, मैंने कहा बहुत सारे लोगों को 11 बजे रात के 12 बजे के बाद होती है, तो आप क्यों उनके भी RTI डाल दो, और निःशुल्क ये सुविधा बहुत जल्दी अगले लेवल पर जाने वाली है, इसलिए हमारे लिए एक तरह से ये सीखने का भी प्रयास है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमने इसको डोडा से इसलिए प्रारंभ किया था कि वो दूर दराज का क्षेत्र था, ऐसे ऐसे गांव थे जहां लोगों ने डॉक्टर का कभी चेहरा तक नहीं देखा था, उनके पास इस प्रकार की सुविधा पहुंची उनके लिए तो बहुत बड़ा करिश्मा था ये, और उसके बाद हमने ये निर्णय लिया था कि हम कठुआ जाएंगे, क्योंकि ये हमारा कोर एरिया है। लेकिन साथ ही साथ हमें इस बात का भी गर्व है कि कठुआ और इस क्षेत्र के माध्यम से सारे देश के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो हमें डिजिटल हेल्थ का आह्वान दिया, उसका एक हम रोल मॉडल आज इस प्रयोग के माध्यम से प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अब बात आई प्रयोग गौशाला की। गौशाला को लेकर के मैं पहले भी आया था यहां, जब ये प्रारंभ हुई थी, और उन्होंने बताया कि अब इतने सारे के बाद पशु एकत्रित चुके हैं, और इन्होंने ये बताया कि लगभग 5 लाख रुपए की राशि दरकार रहती है, हम तो करेंगे ही, पहले भी कर रहे थे, उसके लिए MP के साधनों का भी उपयोग होगा, जैसे इस कैंप में हो रहा है, कभी लैंड का भी होगा, आगे पीछे से भी व्यवस्था करेंगे, लेकिन व्यवस्थाएं हमारे पास बहुत सी हैं जिनकी हमें जानकारी नहीं है। मेरे ही पास है बायोटेक्नोलॉजी का विभाग, अगर आप इस गौशाला के कार्य को स्टार्टअप के साथ जोड़ दें तो नौजवानों को रोजगार का साधन मिलेगा, उनको धरना प्रदर्शन में बैठने के बजाय यहां से कमाई मिल जाएगी और आपका भी खर्चा चलेगा। और ये मैं बात कोई बड़ी काल्पनिक नहीं कह रहा, ये हमारा प्रयोग सफलतापूर्वक हुआ है, यहीं पर राइस पैली के पास
कुछ एक बच्चों ने ग्रुप बनाया स्टार्टअप, क्योंकि ये नए सेक्टर है स्टार्टअप के, डेयरी स्टार्टअप, एग्रीकल्चर स्टार्टअप। उनके पास आज कोई 22 गायें हैं, मैं कोई 3 महीने पहले वहां होकर के आया, धीरे धीरे उन्होंने शुरू किया। सारी व्यवस्था हमने उनको स्थापित कर दी कि किस तरह से उच्च श्रेणी के दूध का उत्पादन हो, उसके लिए क्या दवाई है, क्या खुराक है, वो हमने की। एक वैज्ञानिक को मनोनीत किया, हम वही व्यवस्था यहाँ भी कर सकते हैं और आज ही मैं उसकी चर्चा भी कर दूंगा। दादाजी सुन रहे हैं मोबाइल छोड़ के, तो सुनो मेरी बात, फिर बाद में बैठोगे। इसे दादा का परिचय किया तो मैंने कहा, जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी आए थे तो जाते जाते दादा को यहाँ छोड़ गए और हमें गर्व है कि जन्मभूमि बंगाल और कर्मभूमि और ये प्रेरणा स्रोत रहे हमारे। तो आज ही इस बात की चर्चा भी कर लेंगे, उन बच्चों को दूध उत्तम श्रेणी का हो उसकी भी टेक्नोलॉजी उपलब्ध करवाई गई है, प्रोजेनी अगली पीढ़ी के पशु कैसे रहे उसके लिए भी दवाई दी गई है। और आपको हैरत होगी कि दो बालक ऐसे हैं वहां पे जो बीटेक करते थे, करे हुए बंगलौर में नौकरी करते हैं, छोड़ करके आए और उनको देख करके। तीसरा एक और युवा था, वो MBA करके वो भी बंगलौर में नौकरी करता था, लेकिन चूंकि वो इसी क्षेत्र के रहने वाले थे जम्मू विजयपुर के, तो एक दूसरे के साथ उनका संबंध, वो देखकर वो भी आ गया। तो हमने उससे पूछा कि अब तुम क्या करोगे, बोले साहब मेरे पास भी हुनर है, मैं मार्केटिंग करूंगा। तो वो जो दूध वहां से उत्पादित होता है उसको बड़ी खूबसूरत बोतलों में बॉटलिंग करके उसका उसने कोई नाम भी रख लिया, वो मिल्क या कुछ इस तरह का, और बांटना शुरू कर दिया। तो मैं ये कह रहा था कि अगर हम ये करें तो सेवा भारती की ओर से एक तरह की एक और सेवा का कार्य होगा, क्योंकि स्टार्टअप का कल्चर अभी जम्मू कश्मीर में थोड़ा उतनी गति से नहीं आया और सरकारी नौकरी से कई गुना ज्यादा उसमें कमाई है, जितना से एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारे AAAM के माध्यम से कोई आपको राशि नहीं लगानी। हमारा एक नौजवान था भारत भूषण, उसके पास उसके परिवार के पास जगह थी कोई 3 हेक्टर, बल्कि वहां गेहूं लगाया करते थे, उसमें आप हमें लेवेंडर लगा दो, तो कोई 7-8 कराल जगह थी उसने लगाया, उसको इतनी आमदन हुई तो उसने बाकी जगह से भी गेहूं फाड़ दिया और उसको देख करके 500 बच्चे आए हैं, उनमें से हाल ही में 2 BTEC भी आए, एक जम्मू से। तो ये हमारा जो गौशाला की यहाँ व्यवस्था है, ये स्टार्टअप का एक बहुत बड़ा रिसोर्स पूल है, हम इस बात को समझें। तो इसके लिए हम प्रशासन से भी बात करेंगे, DC साहब को भी मैं इनका संपर्क करवा दूंगा, बायोटेक्नोलॉजी विभाग से दिल्ली में भी, और यहाँ पर जो हमारे 2 इंस्टीट्यूट हैं AAAM, हालांकि वो ज्यादा एरोमा के साथ डील करता है, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी उनके माध्यम से हम रूट आउट करते हैं और स्वास्थ्य की भी हम इसमें सहयोग लेते हैं। आपको 5 लाख रुपए की दुहाई ना देनी पड़े, बल्कि 5 लाख आप कोरोना के लिए जमा करा देंगे। इसलिए मेरा ये कहने का तात्पर्य है कि हमने कोशिश की है कि कठुआ से बहुत से ऐसे नए प्रयोग प्रारंभ किए जाए जिनका बाकी देश में भी उल्लेख हो, उससे हमारा भी मान सम्मान बढ़ता है, आत्मबल बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है, और साथ ही साथ एक दिन में तसल्ली रहती है कि हमने एक प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा में, उनके नेतृत्व में देश को, युवाओं को, और आने वाले 25 वर्ष में, जैसे बार बार ये बात कही जा रही है, और 70% से अधिक जनसंख्या यहाँ 40 वर्ष से कम आयु की है, और ये वो युवा है जो आजादी के 100 साल मनाने वाले हैं। तो हम रहे ना रहे, लेकिन हमें ये तसल्ली रहेगी कि हमने इनके निर्माण में कोई ना कोई। We'll be right back.